गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई विश यू ऑल आर गुड। वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश मूनबीम ऑफ क्लास फर्स्ट। ओके, सो एवरीवन ओपन योर बुक, लेसन सेकेंड, ग्रैंडफादर्स फार्म। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, है ना? फर्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी हिंदी समझाई थी, इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। अब आज मैं आपको इसकी पूरी बुक एक्सरसाइज को समझाऊंगी। आप सभी लोग इसे अपने से एक बार करने की कोशिश करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पैसेज। यहाँ पर देखिए ग्लोसरी दिया हुआ है, शिप फोल्डेड, शिप फोल्ड। मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें टू वर्ड्स आए थे, शिप फोल्ड और कैनल, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनकी हिंदी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर ग्लोसरी में दो वर्ड्स की आपको यहाँ पर मीनिंग बताई गई है। शिप फोल्ड, अ होम फॉर शेप, वह जगह या भेड़ के घर जहाँ पर भेड़ रहते हैं। शिप मीन्स भेड़, तो भेड़ का घर, भेड़ के लिए घर। कैनल, अ होम फॉर अ डॉग, डॉग के लिए घर। अबाउट द पैसेज, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इनमें से करेक्ट वर्ड को चूज कर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना। ओके, आन्या वांट्स अ चीप अ काफ। क्या आन्या चाहती थी? आन्या चीक चाहती थी ना, जब उसने हैन को और चिक्स को देखा तो उसने किस चीज की डिमांड की थी अपने दादाजी से? चिक की। वेरी गुड, तो यहाँ पर आप सभी लोग लिख लेंगे एक चिक। ओके, चिक पर यहाँ आप टिक कर सकते हैं और साथ में आप यहाँ लिखेंगे एक चिक। अ ब्राउन काउ इज स्मॉल और बिग। जो बड़ी गाय थी वह छोटी थी, ब्राउन गाय, वो भूरी गाय बड़ी थी कि छोटी थी? तो बड़ी थी, तो यहाँ पर आप बिग लिख लेंगे। आन्या प्लेज विद ग्रैंडफादर्स। आन्या ग्रैंडफादर के किस पेट के साथ खेली? शिप के साथ कि डॉग के साथ? वेरी गुड, डॉग, डॉग के साथ, तो यहाँ पर आप सभी लोग डॉग लिख लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से करेक्ट वर्ड्स चूज कर यहाँ पर आपको फिल ब्लैंक्स में लिखने हैं। ओके, आन्या हैज कम टू विजिट हर। आन्या घूमने आई थी, विजिटर किसके साथ घूमने आई? चिक्स, ग्रास, ग्रैंडफादर, कैनल, मिल, तो किसके साथ घूमने आई थी? ग्रैंडफादर, फर्स्ट ऑप्शन में आप ग्रैंडफादर लिखेंगे। द हैंस बेबी आर कॉल्ड, हैन के बच्चों को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हो, चिक्स। वेरी गुड, यहाँ पर आप चिक्स लिखेंगे। थर्ड, द काउ गिव्स, गाय क्या देती है? ग्रास, कैनल और मिल्क, क्या देती है? तो मिल्क, काउ हमें मिल्क देती है, तो यहाँ आप मिल्क लिखेंगे। द शिप एट, शिप क्या खाते हैं? ग्रास, यहाँ ग्रास लिखेंगे। ब्लैकी लिव्स इन अ कैनल, वेरी गुड, कैनल, क्योंकि ब्लैकी कौन था? ब्लैकी एक डॉग था, तो डॉग कहाँ रहते हैं? कैनल में रहते हैं, तो यहाँ आप कैनल लिखेंगे। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन सेंटेंस को पढ़ने हैं और फिर इन्हें पूरे ब्लैंक को फिल करना है। दे आर सो प्रीटी, कैन आई टेक वन? आप इस सेंटेंस को किसने कहा था? आन्या सेड दिस टू ग्रैंडफादर, द चिक्स आर प्रीटी। सेकेंड,
This is a sheepfold. The sheep sleep here at night. They eat grass. यह एक sheepfold है. Sheepfold means a home for sheep. The sheep sleep here at night. Sheep यहाँ पर रात में सोते हैं. They eat grass. वे घास खाते हैं. तो अब इस sentence को किसने कहा था? इस sentence को grandfather. Grandfather यहाँ आप लिखेंगे grandfather said this to किससे कहा था? Anya. Grandfather Anya. A sheepfold is a क्या है sheepfold? Sheepfold is a home. किसका home है? For sheep. यहाँ पर sheep लिखेंगे. Okay. Next word by word. Match the animals with their young ones. One has been done for you. यहाँ पर आपको animals दिए हुए हैं pictures में और साथ में animals के बच्चे भी हैं. तो आपको match करना है कि किस animal के कौन बच्चे हैं. तो hen के बच्चे कौन है? Chick. एक पहले यहाँ पर कर दिखा दिया गया है. Second हम lion को देखते हैं. Lion का बच्चा कौन होगा? लैम्ब होगा, काफ होगा, कब होगा, शीप होगा कि काउ होगा. तो लायन का फेस किससे मिलता है? कब से? तो लायन को हम मैच कर लेंगे कब से. लायन के बच्चे को क्या कहते हैं? कब. फिर हम देखते हैं काउ. काउ के बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्ब, काफ और शीप. आप लोगों ने पीछे देखा था ना, काऊ के बच्चे को काफ कहते हैं. फिर शीप. शीप के बच्चे को क्या कहते हैं? शीप का फेस किससे मिल रहा है? लैम्ब से. तो शीप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं. ओके. देन टर्न द पेज. पेज नंबर 14. साउंड चेक. यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको मैं ये वर्ड पढ़ रही हूँ. लिसन टू दिस वर्ड्स. इस वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए, फिर इसे तेजी से मेरे साथ रिपीट करिएगा. पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ ई. ये साउंड ऑफ ई के वर्ड्स हैं. इसे ध्यान से सुनिएगा. एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप मेरे साथ इसे रिपीट करिएगा. ओके. हैन, पेन, टेन, पेट, नेट, जेट, बेड, रेड, फेड. ओके. अब आप मेरे साथ इसे पढ़िएगा. हैन, पेन, टेन, पेट, नेट, जेट, बेड, रेड, फेड. वेरी गुड. आप इसे फिर से एक बार जरूर रिपीट करिएगा. स्पेल विल. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ये वर्ड इनकम्प्लीट हैं. आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने हैं और इन वर्ड्स को पूरे कंप्लीट कर लिखना है. ओके. तो फर्स्ट ये क्या है? ओ ए जी. तो यहाँ पर ओ से कौन सा फ्रूट्स आपको समझ में आ रहा है? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स या फिर ऑरेंज. वेरी गुड, ऑरेंज. तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑरेंज. ओ लिखा हुआ है आर ए एन जी ई. ओके. फिर सेकेंड हम देखते हैं जी से स्टार्ट हो रहा है. जी से कौन सा है फ्रूट्स? बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स. वेरी गुड, ग्रेप्स. तो जी आर ए पी ई एस. फिर एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल. फिर आपका क्या बच्चा? बनाना. यहाँ लिख देंगे बी ए एन ए
एंड ए से कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट सर्कल द पिक्चर्स हुज नेम बीइंग विद ए ई आई और यू, ए ई आई ओ और यू, ये क्या है, कौन से लेटर्स कहलाते हैं, कंसोनेंट, वोवेल, यस वोवेल, वोवेल इज अ ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो जो पिक्चर्स आपके वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवेल लेटर से बने हुए हैं, तो उन्हें आप सर्कल करेंगे। फर्स्ट क्या है, बुक, बुके, एलिफेंट, एप्पल, टेबल, स्टार, आउट, बुक बी, बुके बी, एलिफेंट ई, एप्पल ए, टेबल टी, स्टार एस और आउल ओ। तो जो भी लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, जो वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, एलिफेंट, एप्पल और आउल, आप इन पिक्चर्स को सर्कल कर लेंगे इस तरह से। फर्स्ट एलिफेंट, सेकेंड एप्पल एंड थर्ड इज आउल। ओके, नेक्स्ट राइट ए और एन बिफोर दिस नेमिंग वर्ड्स, आपको ए और एन लगाना है इन नेमिंग वर्ड्स से पहले। ए आप किससे लगाते हैं, जो आपके कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, और एन जो आपके वोवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं, आप उनके आगे एन लिखते हैं। ओके, ए और एन विथ नेमिंग वर्ड दैट आर ओनली वन इन नंबर, वी यूज ए बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ कंसोनेंट एंड वी यूज एन बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बीइंग विथ वोवेल्स। ओके, तो यहाँ पर आप हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखेंगे बच्चों, ओ सी, आइसक्रीम का आई, न्यूज़पेपर का एन, एंड का ए, ऑरेंज के ओ, फ्लावर का एफ, एग का ई, फिश का एफ, अंपायर का ए। तो इसमें हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप देखेंगे वो लेटर आपके वोवेल्स हैं कि कंसोनेंट है। अगर वो लेटर आपके कंसोनेंट हैं तो आप वहाँ पर ए लिखेंगे, और अगर वोवेल हैं तो वहाँ पर आप एन लिखेंगे। तो ओ, ऑक्स, ऑक्स का ओ आपका क्या है, वोवेल, तो यहाँ आप एन लिखेंगे। काउ का सी आपका क्या है, कंसोनेंट, तो यहाँ पर आप ए लिखेंगे। आइसक्रीम का आई आपका क्या है, वोवेल, तो यहाँ पर आप एन लिख लेंगे। न्यूज़पेपर का एन कंसोनेंट, यहाँ पर आप ए लिखेंगे। इसी तरह के बाकी जो वर्ड्स हैं आप इन्हें आइडेंटिफाई कर लिखेंगे। ओके, ये आप लोग सेल्फ करने की कोशिश करिएगा, 4 मैंने बताया, 6 आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, वन हैज बीन डन फॉर यू। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ए और एन का यूज करना है। तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और देखिएगा वो वोवेल है या कंसोनेंट है, तो उसके बिहाफ पर आप उन वर्ड्स के आगे ए और एन को लिखेंगे। देन टर्न द पेज, लर्न टू लिसन, ये लर्न टू लिसन है बेटा आपके बुक्स में लास्ट पेज पे देखिए, चैप्टर्स रिलेटेड आपके यहाँ पर लर्न टू लिसन के लिखे हुए रहते हैं। तो ग्रैंडफादर्स फार्म है, तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं 2 बैलून्स, 4 एप्पल्स, 3 बटरफ्लाइज। तो इस पिक्चर में भी देखिए आपको क्या बोला गया है, लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए, नाउ लिसन केयरफुली टू द नंबर ऑफ ईच थिंग, मैंने क्या पढ़ा था, 2 बैलून्स, 4 एप्पल्स, 3 बटरफ्लाई, यहाँ पर जबकि 3 बैलून्स है तो पिक्चर्स वहाँ पर क्या लिखा हुआ था लर्न टू लिसन में, 2 बैलून्स, एंड देन कलर द सेम नंबर ऑफ थिंग, फिर आपको यहाँ पर कलर करना है। तो 3 बैलून्स से आपको 2 बैलून्स को कलर करना है,
4 एप्पल्स को कलर करना है एंड बटरफ्लाइज 3 बटरफ्लाइज को कलर करना है। ओके देन टाइम टू टॉक। यहाँ पर एक पिक्चर्स दिया हुआ है, इनसे रिलेटेड आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट पेज पर कैन यू सी अ रेड हाउस, ये देख करके बात कर रही है क्वीनी, जैक से बात कर रही है कैन यू सी अ रेड हाउस, तो आई कैन सी अ ब्लू वैन, तो जैक क्या कह रहे हैं मैं देख सकता हूँ, सॉरी आई कैन सी अ रेड हाउस। क्वीनी क्या कर रही है, बात कर रही है कि मैं रेड हाउस देख सकती हूँ, एक लाल घर देख सकती हूँ, और यहाँ पर जैक क्या कह रहा है देख करके, आई कैन सी अ ब्लू वैन, मैं एक ब्लू वैन देख सकता हूँ। वे टू राइट, यहाँ पर आपके लुक एट द पिक्चर्स जो आपने पेज नंबर 16 पर देखा था, तो उसी से कि यहाँ पर मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं विद द थिंग्स गिवन इन कॉलम बी, जो आपको कॉलम बी से मैच करने हैं। राउंड सन है, रेड क्या था, रेड हाउस, तो रेड को हाउस से आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट टॉल, टॉल क्या है यहाँ पर ट्री, तो टॉल को ट्री से मैच करेंगे। उसी तरह आपका ब्लू क्या था, वैन, वैन से मैच करेंगे। व्हाइट क्या है, देखिए यहाँ पर व्हाइट क्या दिख रहा है, व्हाइट डॉग्स, तो व्हाइट को डॉग से कर लेंगे। येलो, येलो फ्लावर्स। नाउ राइट वन मोर वर्ड फॉर ईच ऑफ दीज नेमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आप इन वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं, तो इन नेमिंग वर्ड्स को आप कुछ अलग वर्ड्स से आप डिस्क्राइब करेंगे। ओके फ्लावर्स को यहाँ पर एक दे दिया है स्मॉल फ्लावर्स, न्यू वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना कॉलम बी में, तो वर्ड्स आपके वही हैं। नेमिंग वर्ड्स आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कुछ नए वर्ड्स को दे करके। डॉग्स है, डॉग्स को आप कर सकते हैं, स्मॉल डॉग्स कर सकते हैं, फिर वैन है, बिग वैन लिख सकते हैं, सन को आप हॉट सन कर सकते हैं, ट्रीज को आप स्मॉल ट्री भी लिख सकते हैं, हाउस आपका बिग हाउस लिख सकते हैं, तो आप उसी तरह यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स को, इसके अलावा भी आपको जो वर्ड्स आ रहे हों, तो आप उसी तरह कुछ वर्ड्स को यहाँ पर लिख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके थिंक अ लिटिल, अब इसमें देखिए क्या बेटा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन अ हॉलीडे, आप हॉलीडे में छुट्टियों में क्या पसंद करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, टेक द थिंग यू लाइक टू डू, आप यहाँ पर थिंग्स कुछ लिखे हुए हैं, उन पर आप टिक सामने कर लेंगे। गो टू मीट योर कजिन्स, आपको अपने कजिन्स के पास जाकर के, अपने चचेरे भाई बहन के पास जाकर मिलना पसंद है। गो टू पार्क एवरी इवनिंग, हर शाम को पार्क में जाना पसंद है। ज्वाइन अ डांस और म्यूजिक क्लास, या म्यूजिक और डांस क्लास आपको ज्वाइन करना पसंद है छुट्टियों में। वॉच टेलीविज़न एट होम, या आपको घर में बैठ करके टेलीविज़न देखना पसंद है। रीड स्टोरी बुक्स, या आपको स्टोरी बुक्स पर बैठ कर पढ़ना पसंद है, तो आपको इनमें जो भी पसंद है आपको हॉलीडे में करना, तो आप उसके सामने टिक लगा सकते हो। ओके आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, पूरे बुक एक्सरसाइज आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप सभी लोग पहले इसे अपने से करने की सेल्फ कोशिश करिएगा। ओके टेक केयर, बाय बाय।